गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन क्लास 12th आफ्टर सितंबर एग्जाम वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट यूनिट दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है दैट इज रे ऑप्टिक्स, जहां पर हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट क्या है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है, वो ब्रांच फिजिक्स की जहां पर हम लाइट को एज्यूम करके चलते हैं कि लाइट है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या है, जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ये एक रे ऑफ लाइट है, तो लाइट ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पर मैंने डिफाइन किया है रे ऑफ लाइट को, तो लाइट ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो जब भी हम स्टडी करेंगे तो जिस मीडियम के अंदर से लाइट होकर ट्रैवल करेगी उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो हम मेनली दो तरह के मीडियम कंसीडर करते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम क्या मान के चलते हैं, जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, जैसे एयर को हम रेयर मीडियम मान के चलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास डेंसर मीडियम। तो डेंसर में जो पार्टिकल्स है दे आर क्लोज टू इच अदर, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम कुछ एस्पेक्ट को इनको स्टडी करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स के अंदर, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर या पॉलिश्ड सरफेस है, और यहाँ पर हम सबसे पहले उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट आती है इट मेक्स एन एंगल आई, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक आई एंगल बनाएगी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ। कौन बनाएगी, इंसिडेंट रे। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो रिफ्लेक्ट होकर रे जाएगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज फॉल ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस इट टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके बाद है आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेंस सेम। तो वहां पर उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कभी भी वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, क्या चेंज हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो हमारा आंसर होगा नो, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डिक्रीज हो जाती है, और कितनी लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सरफेस है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड है इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस इट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेज इट्स ओरिजिनल पाथ। तो यहाँ पर तो हमने किसी एंगल से इंसिडेंट किया, लेकिन अगर हम उसको नॉर्मली उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वह वापस उसी पाथ से रिट्रेस कर जाती है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं कि जैसे वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन बट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट में डिक्रीज, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो उसके हम लॉज है, मेनली दो लॉज बताते हैं। नंबर वन है इंसिडेंट रे, यानी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल आल लाइज इन द सेम प्लेन, तो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमेशा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमें दो लॉज को रिफ्लेक्स याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है कि कई बार हम
मान लेते हैं किसी सैलून की शॉप के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम दो मिरर्स देखें, एक आगे लगा होता है और एक पीछे लगा होता है हमारे, अगर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहाँ पर हमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई सारी इमेजेस वहाँ पर दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अंदर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास 360 बाय थीटा, अगर हम क्या करें 360 डिग्री बाय में थीटा की वैल्यू निकालें, और यहाँ पर थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। जैसे यहाँ पर देखो, अब मैंने दो मिरर है, इनको पैरेलल रख दिया, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर 360 बाय में जीरो डिग्री, तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो वहाँ पर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल मानते हैं कि अगर 360 बाय थीटा, अगर थीटा क्या है, मान लेते हैं कि 360 डिग्री बाय में थीटा, थीटा कितना मान लिया हमने, मान लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री कंसीडर किया तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट और ये 12 पे। तो अगर हम डिवाइड करने के बाद 360 को डिवाइड करने के बाद अगर एक इवन वैल्यू आती है तो हम उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास 11 नंबर ऑफ इमेजेस हमें दिखाई देंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ओड ही मिलेंगी हमें, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है, इफ 360 डिग्री बाय में थीटा इट इज, अगर मान लेते हैं ये कितना हो, 40 डिग्री मान लेते हैं, तो 40 डिग्री से डिवाइड करके देखना, ये 9 आएगी वैल्यू। अगर ये ओड नंबर है तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस भी क्या होंगी, ओड नंबर्स, नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिलेगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए 360 को थीटा से डिवाइड करना है, अगर थीटा से डिवाइड करने के बाद, थीटा का मीनिंग है कि उन दो मिरर्स के बीच में कितना एंगल होगा, अगर डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक इवन वैल्यू आएगी तो हम उसमें से 1 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी ओड मिलेंगी, ठीक है। अगर थीटा से डिवाइड करने के बाद एक ओड वैल्यू आ रही है तो वही हमारी क्या होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, ओके। इसके बाद है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, हमारे पास, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, हमारे पास दो तरह के मिरर होंगे, एक कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या होता है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और अंदर से पॉलिश्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरह के होंगे, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, तो हमारे पास ये कॉनकेव होगा अगर बाहर से पॉलिश कर दें और अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो साइड व्यू तो हमारे पास ऐसे दिखाई देता है, अगर इनको सामने से देखेंगे तो हमें गोल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, अगर हम इस कर्वेचर को पूरा करें, ठीक है, तो हमारे पास एक स्फीयर बनेगा, तो हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स आर इज ए पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर, एक होलोस्फीयर का एक पार्ट मान सकते हैं, विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, जो एक साइड से पॉलिश कर देंगे और दूसरी साइड से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट होलोस्फीयर वोज इनर और आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, तो चाहे तो अंदर से पॉलिश कर देंगे, अगर अंदर से पॉलिश किया और बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अगर हम बाहर से पॉलिश कर देंगे, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के मिरर होंगे, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर वोज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, तो जिसके बाहरी सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर वोज इनर पार्ट इज पॉलिश्ड एंड आउटर सरफेस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। नंबर वन है पोल। पोल क्या होता है, अगर हम मिरर को देखें तो उसके जो बीच में पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं पोल ऑफ ए मिरर। अगर साइड व्यू से देखें तो यहाँ पर ये क्या होगा, पोल ऑफ ए मिरर। तो जो भी हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या इमेज की डिस्टेंस है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अगर हम इस होलो स्फीयर को कंसिडर करें तो उस जो स्फीयर का सेंटर होगा उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, तो जिसका एक पार्ट होता है हमारा मिरर उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो हम रेडियस मानेंगे उस स्फीयर का वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रा करें उस मिरर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये लाइन भी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ये लाइन भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ये लाइन भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जो लाइन ड्रा करेंगे उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों से जो बीच कर होके जाएगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखो यहाँ पर ये मैंने फोकस दिखाया, यहाँ पर भी फोकस। अगर मान लिया कोई भी रेज ऑफ लाइट आए तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो जितनी भी रेज आएंगी वो डाइवर्स हो जाएंगी, अगर उनको पीछे की तरफ ड्रा करेंगे एक पॉइंट पर आकर कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज ए पॉइंट, एक पॉइंट होता है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कन्वर्ज, चाहे तो कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगी या अपीयर्स टू डाइवर्ज, या वहां से बिखरती हुई दिखाई देंगी, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ, जो प्रिंसिपल फोकस है और पोल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहाँ पर पी और एफ के बीच की लेंथ है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ओके। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, हमेशा याद रखना है फोकल लेंथ है वो हमेशा हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, या हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज ऑलवेज डबल टू द फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ से डबल होता है, कोई डाउट है। तो इसके बाद है अगर हम फोकल लेंथ की बात करें कॉनकेव के लिए, तो ये कॉनकेव है उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स की बात करें उसके लिए पॉजिटिव होगी। हमें ध्यान रखना है जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट में मानेंगे मिरर के वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, और जो भी डिस्टेंस राइट में मानेंगे वो हमें पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो उसके लिए क्या होगी, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, क्या होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद है पावर, पावर क्या है कि किसी भी मिरर के अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, उसको बोलते हैं पावर ऑफ ए मिरर, ठीक है। उसके बाद अपर्चर, अपर्चर का अर्थ है जो साइज होगा तो मिरर का, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, ओके। इसके बाद है हमारे पास एक फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या है, जो प्रिंसिपल फोकस से एक प्लेन परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको बोलते फोकल प्लेन, ठीक है। तो इसका यूज नए के बराबर ही होता है कहीं पे, तो आपने वैसे याद रख लेना है। उसके बाद है अगर हम कोई भी रे डायग्राम ड्रा करते हैं तो हमेशा याद रखना है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा फोकस से होकर पास होगी। तो यहाँ पर ये पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, और अगर इसको पीछे की ओर लेके आए तो हमेशा प्रिंसिपल फोकस पर कट करेगी, ठीक है। दूसरा याद रखना, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ पर फोकस के लोंग आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा याद रखना है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी तो वो वापस रिट्रेस कर जाएगी ओरिजिनल पाथ को, तो जैसे ये सी के लोंग आई तो वापस रिट्रेस करगी अपने ओरिजिनल पाथ को, ठीक है। तो ये आपने रे डायग्राम्स के अंदर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने साइन कन्वेंशन में याद रखना है, मान लिया ये हमारा कोई भी मिरर है तो जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा पोल से कंसिडर करेंगे। दूसरा साइन कन्वेंशन है, जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट में लेंगे वो नेगेटिव होगी और जो भी डिस्टेंस राइट में लेंगे वो पॉजिटिव होगी। जो भी हम हाइट लेंगे अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉजिटिव होगी और जो नीचे की तरफ लेंगे वो नेगेटिव होगी। तो दीज आर सम साइन कन्वेंशन विच आर यूज्ड टू सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन द रे ऑप्टिक्स, ओके।
तो साइन कन्वेंशन आर आल्सो वैलिड फॉर लेंसेज। तो यही साइन कन्वेंशन हम लेंसेज के अंदर भी यूज़ करेंगे और मिरर्स के अंदर भी। ओके, थैंक यू।